उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ और नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली को मंजूरी दे दी है। अब लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होगी, यानी कि लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर में अब पुलिस कमिश्नर होंगे। सुजीत पांडे लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे, वहीं गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस की दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण है। पिछले 50 साल से बेहतर पुलिसिंग और स्मार्ट पुलिसिंग की जो मांग थी आयुक्त प्रणाली की, उसे लागू कर दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पास किया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव की वजह से यह काम नहीं हो पाया था। लखनऊ 2011 की आबादी के हिसाब से 29 लाख से ज्यादा है, आज 40 लाख है। और स्मार्ट पुलिसिंग को आगे बढ़ा सके और यह प्रणाली लागू करने के साथ उन्हें 15 ऐसे अधिकार भी उन्हें दिए जा रहे हैं जिनका विस्तृत ब्यौरा हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। ये उनको ये पावर डेलीगेट होंगे, उसके बाद वे इस बात के लिए अधिकृत होंगे कि कौन से अधिकारी को उनके अधीन करने वाले कौन से अधिकारी को कौन से पावर उनको डेलीगेट करने। पुलिस आयुक्त तो स्वयं ही वहां पर तय करेंगे। ये कार्य मुख्य रूप से आज का ये पुलिस सुधार और पुलिस उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस व्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ये दिन है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और प्रदेश के अंदर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए कदम उठाने की जो एक इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किए जाने का परिणाम था कि इतने वर्षों तक यह कार्य नहीं हो पाया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली को अपनी स्वीकृति दी है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा औद्योगिक नगरी नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। आज एक मिथक टूट गया है कि उत्तर प्रदेश में कभी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू ही नहीं हो सकती, जो देश के 71 महानगरों में बहुत पहले से ही प्रचलित है। मैं इसके लिए प्रदेश की जनता, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह निर्णय उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है। इस प्रणाली में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने, अपराधों को नियंत्रण करने में पुलिस को सीधे अधिकार मिल गए हैं, जिससे वह त्वरित निर्णय लेकर यहां की जनता को राहत पहुंचाएगी और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था जो पहले से ही बहुत अच्छी है उसमें और सुधार होगा और इससे प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। पुनः योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का निर्णय प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लिया है, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। पूरी जनमानस इसकी प्रशंसा कर रहा है। इससे पुलिस विभाग में भी एक बहुत उत्साह है। स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 1861 के पुलिस एक्ट के दायरे से बाहर निकलकर एक पुलिसिंग में बदलाव के लिए ये कदम उठाया है योगी जी ने, जो कि एक साहसिक कदम है। कई दशकों से मैं देख रहा था कई सरकारों ने इस ओर कदम आगे बढ़ाए पर फिर आईएएस लॉबी के दबाव में अपने कदम पीछे खींच लिए। इससे न सिर्फ कानून व्यवस्था में सुधार होगा, महिला अपराधों पर रोक लगेगी, जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं उनमें बहुत सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा, उसमें शीघ्रता आएगी और एक अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा। मजिस्ट्रेट की शक्तियां 50 से अधिक
बड़े शहरों में देश में वो दी गई हैं, तो पुलिस को दिया जाना सर्वथा उपयुक्त है। और अब प्रदेश के अधिकारियों का दायित्व तो बढ़ जाएगा, पुलिस अधिकारियों का, कि वो मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं पर खरे उतरें और लगन, मेहनत, ईमानदारी से अपने कार्यों का अंजाम दें।